Allah, 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 Allah. आला हजरत इमाम सुन्नत अहिलसन्नत मुजद्दीन मिलत मौलाना इमाम शाहमद रज़ा फ़ाजल बरेलवी रहा की इस खूबसूरत तकरीब में मैं और आप हाजिर हैं आप अहबाब जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह तब आपको बेपना बरकतें अता फ़रमाए अल्लाह करीम हम सब को अखलास के दौलत दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बयान करने से ताल्लुक रखती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चखने से ताल्लुक़ रखती कुछ काम ऐसे होते हैं जो कहने से समझ में नहीं आते करने से समझ में आते हैं कुरान पाक ने हमारा जो नबी पाक अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता बयान किया है वो एहसास का रिश्ता है नबी मिन अनफुसिहिम फरमय मोमिनो तुम अपनी जानों के मालिक नहीं बल्कि मेरे नबी तुम्हारी जानों के मालिक और एक माना इसका ये किया गया औला बमाना अकरब के कि तुम्हारी जान तुम्हारे इतने करीब नहीं जितने मेरे नबी तुम्हारे करीब हैं अब ये रिश्ता है ये चखने से ताल्लुक रखती है बात ये बयान सिर्फ करने से ताल्लुक दोस्तों कुछ चीज़ें ना आला हजरत फाजल बरेलवी रहा को ना फतवे की दुनिया का आदमी बना दिया गया है क्या आला हजरत फतवा देते थे फतवा लिखते थे फतवे की बात करते थे फाजल बरेलवी ने ना दीन सिर्फ पढ़ा पढ़ाया नहीं आला हजरत ने दीन चखा है उसका जायका था आला हजरत पे दीन तारी होता था कैफियात वाले शख्स थे उनकी जिंदगी में अदब अदाब पाया जाता था वो सोज वाले थे दर्द वाले थे कैफियात वाले थे ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ आप बात से ही ताल्लुक रखें जब तक किसी से किसी की ज़ात से ताल्लुक नहीं होता तो उसकी बात भी समझ में नहीं आती हमारे यहां लोग कहते हैं सीधी सीधी जी वो ये कहते थे वो भाई जब आपका जात से ही ताल्लुक नहीं होगा तो बात आपकी समझ में कैसे आएगी आप पढ़िए ना बुखारी शरीफ हज़रत अब्दुल्ला बबिन अब्बास पहले मुफसर है उम्मत के कैसे मुफसर बने तफसीर पढ़ के हदीस पढ़ के नहीं, 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 नहीं। रसालत से प्यार करके फरमाते हैं कि रोज़ हज़रत बिलाल अबशी पानी रखते थे जब हुजूर बैतुल बैतुलखला में जाते थे वापिस हुजूर आते तो वजू करना होता हुजूर ने तो जनाब बिलाल से मैंने एक दिन गुजारिश की कि आज मुझे नहीं इजाज़त देते पानी रखने की तफसीर लिखने की बात नहीं कर रहे वो सबक पढ़ाने की बात नहीं कर रहे ज़ा रिसालत का प्यार हज़रत बिलाल ने मुझे इजाजत दे दी कहते हैं हुजूर वापस आए तो आके फरमाने लगे आज पानी किसने रखा तो उमर है? कितनी दस बारह साल या चौदह साल हुजूर से प्यार हो गया तो नबी करीम सल्ला तम की बारगाह में ना पानी रखा तो जब पानी रख के फारिग हुए तो हुजूर ने पूछा किसने रखा है तो इस जवान ने रखा है गोया इश्क लगा सी खेडा खेड दी तो खेडा पुल दे पुल दे गईयाँ कहते हैं जी इसने रखा है पानी तो रसूले क़रीम ने ना हाथ उठा दिए आप समझे बात को उन्होंने जिहाद नहीं किया उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया सिर्फ हजूर के लिए कहते हैं तू खिदमत ही करता रहता है तुम्हें पता ही नहीं खिदमत का सिला क्या है पता ही नहीं खिदमत का सिला क्या है पानी रखा बुखारी पड़ रहा हूं मेरे रसूल करीम ने हाथ उठाए काय अल्लाह इसे दीन की समझ अता कर दे दीन का फकीर बना दे एक दिन पानी रखा मुस्तफ़ा ने दुआ की उम्मत के सबसे बड़े मुफसर कुरान बन गए आदम पाकिस्तान मौलाना सरदार रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई तो हजरत साहब ने कुछ दो चार पांच महीने रखा तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है बेटा तेरा यतीम है मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो ये पढ़ने पुढ़ने वाला कोई नहीं सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते अब यहाँ वाप बैठे हैं मैं बेदब भी ना ना हो जाऊं कुछ पूरे आठ साल लगा के भी आ जाते हैं सनद भी उनके पास होती है नाराज ना हो जाना ये तो सब अच्छे लोग हैं सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता ये आला हजरत ने लिखी है बात सनद होती है पूरी डिग्री होती है उस पर कई लोगों के साइन भी होते तो बहुत सारे तलब इलम ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलाँ हूँ लेकिन कोई शह पास तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद से आजम पाकिस्तान रहमत ला ले, उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं तो यतीम बच्चा है कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा बूढ़ी अम्मा रोने लग गई कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ मैं तो नौकरी कराने लाई थी नौकरी हज़रतंस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हजूर की बारगाह में दे गई थी तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि सुल्ला पढ़ा दें हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से जी बात कर रहा हूँ ये नहीं कहा था हजूर मुजाहिद बना दें ये थोड़ी कहा था कि यारसुल्ला सल अल्लाह तसल्म से मुफसर मुहद्दिस मुहती मुफ्ती बना दें हजरत की अम्मा कह गई थी सोने जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा ये घर के काम काज करेगा ड्यूटी करेगा हजूर ये ये आपकी नौकरी करेगा तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी अल्लाह इसे बरकत अता फरमा तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है जो उसके नसीब में आता है वो किसी का नसीब कहां भाई हजरत कहते हैं हजूर ने दुआ कर दी बरकत की मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी पर लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता था मेरे बाग में दो दफा लगता था हजूर ने दुआ कर दिया अल्लाह इसे औलाद दे फरमाते हैं मेरे बेटे मेरे पोते मेरे नवासे मेरी बेटियां परमाते हैं, मैं जिंदा हूं और मेरी सौ औलादे मौजूद हैं परेशान हो गया सौ सुन के बच्चे दो ही अच्छे सौ औलादे मेरी मौजूद हैं हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ क्या मेहरबानी करें खिदमत कराएं तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं खिदमत वाला क्या कराऊँ कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी हूँ लड़ पे कच्चे कम करते मदरसे का हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं अब तो गुजर गया दौर अब तो बच्चे काम कराते हैं अब बच्चे भी नाराज़ हो रहे हैं घूर घूर के देख रहे हैं सही कह रहा हूँ आपको बच्चे काम कराते हैं बच्चे कहाँ काम करते हैं कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को तो हज़रत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है तू तो जा ले जा कहने लगी हाथ बांध के हज़ूर मेहरबानी करें रख लें चारा डालेगा और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को रोने लगी हजरत ने रख लिया महीने का खर्चा भी देते शाम को ना वो सारा दिन काम करता शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता हजरत जी लाए तेल थोड़ा सा पैर ना दबा दूँ आठ साल साथ वाले पढ़ते रहे ये बेचारा नौकरी करता रहा मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं और मैनू यार मना दंग भी नहीं वो चारा डालता रहा चारा डाला हज़रत मुहदस आदम की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए आज दस्तार होगी ये ना पीछे होके बैठ गया चूंकि पढ़ाई नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा हमने तो पढ़ा ही नहीं हमने तो यार पढ़ा घर पढ़ा ड्यूटी करी हज़रत मुहदस आजम र्ला के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया तो मजाना बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना वो कहते हैं जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है कोई शायद नहीं तो ये माजरा क्या है पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की किसी सूफी ने की लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मोहद आजम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए ये सारी दस्तार मैंने करनी है और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे माथा भी चूमते थे फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है जाएगा तो नहीं तो रो पड़ा कहने लगा सोड़ाया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो आता जाता तो है कुछ नहीं मुझे किसने रखना है मैंने कहाँ जाना है इधर कहाँ तो इधर ही रहूँगा उस तालब के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं पर जो मसला अड़ जाता था ना वो जो अड़ जाता था ना वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी लोग समझते हैं कि खाली आप बातें करेंगे और खाली दलीलें देंगे और यारो ये जो गुलामी है ना गुलामी मौलाना अमजद अली साहब आजमी रही फरमाते हैं यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला यक ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है इसे भी देख यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े ईमान के पैरों में जूता कोई नहीं और आला हजरत सर पट दौड़े मैं करीब गया मैंने कहा हजूर मैं के जाऊं कहा जा रहे हो कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है अमजद अली देर ना कर यार कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए मेरे मुर्शद का बेटा मेरे शेख का पोता यार जरा जल्दी कर कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है ख़ंजरे रे खूंखार बर्क बार तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा बोल बाले मेरी सरकारों के दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे और बूढ़े शेख सदरुशरिया कहते हैं मैंने कौजूल मैं ना चला जाऊं कहने लगे ना पुत्र मैंने बड़ा नमक खाया उस कर्क मैंने बड़ी नौकरी करी है मेरी अपनी ड्यूटी है तुम्हारी तो नहीं ना मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं तो एक मुसाफर उतरता उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया कहते वो मुसाफर गुजर जाता दूसरा आता, तो फिर करीब जाते कहते वो उसके आस्था उसके आस्थाने से तो नहीं आए उधर से तो नहीं कोई आया कहते सारे गुजर गए जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए ट्रेन चल पड़ी तो मैंने कहा कहाजूर किसी ने आपको गलत इतला दी थी शजादे तो आए नहीं कहने लगे यार इतला गलत थी या ठीक थी पर यहाँ तक आने का मजा बड़ा है आप समझ सकते हैं आला हजरत के दो बेटे हैं हजरत अस्लाम वाल हामिद रजा खां साहब और मुफ्ती आजम आलम इस्लाम दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए ये भी तो मेरे आला हजरत है ना इसको भी तो ज़रा समझो ना। खुश की और फिर खुश की और फिर खुश की एक दिन पीर साहब ने कहा नूरी मियाँ साहब क्या महाराजा यार वो भैंसे रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे दो कुत्ते मिल जाए मैं अक्सर सोचता हूँ क्या आला हजरत तो आलिम थे उनका कुत्तों से क्या लेना देना हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते दो कुत्ते मिल जाए तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे मैं हजूर सवेरे ही आ जाएंगे भाई आपका तो ये शुगर लेनी तो आप कहाँ से लाएंगे दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली अहला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं आपको शख्स के दर्द का नहीं पता उसके जायके का नहीं पता वो किस स्टेज का आदमी है स्टेटस क्या है तरीकत में शरीयत में इश्क में दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं चार पे पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे मैं उठ के खड़ा हो गया मैंने कहा मौलाना ये क्या कहने लगे ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे जिन्हा तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे मालक दे कर राखी कर दे साबर भुखे नंगे किधर गया सौक किधर गया वो दर्द और फिर बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की तो फिर फाजले बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है उन्होंने ना सारी जिंदगी यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है एक सैयद साहब थे मकान बन रहा था अला हजरत का तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं तो सब का आना जाना था सब लोग आते जाते तबिला झिझक तो वो सैयद साहब भी एक दिन आ गए सामने लाइब्रेरी में मिले फिर चले गए कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया अब औरतें भी आ गईं तो शाहजी को पता नहीं था वो पुराना ही माहौल समझ के ना और जफरुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए और जैसे ही अंदर दाखिल हुए सामने घर की औरतें देखी तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए हाव चू कहने लगे शाह जी आप, आपको तो पता नहीं था और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज वापस लें ये मेरे घर की औरतें नहीं ये तो सैदों की बाधियाँ हैं तो नौकरानी है तो आप मेहरबानी करें ये अंदाज़ आपका जो है ये दुरुस्त नहीं आप मेहरबानी मैं अंदर आए और फिर सारे खानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया और कहने लगे शाह जी को गलती लग गई उन्होंने हमसे माजरत की अब हम सारे मिलकर उनसे माजरत करेंगे इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का खानदान है अपनी जिंदगी में हमेशा यार थोड़ा बहुत दो चार लफ्ज जिस बंदे को आ जाए ना दो चार लफ्ज मैं जाती तौर पे ना आप आपको पता है मैं तो नाथ खानों से तो हमारी बनती नहीं बहुत सारे नाथ खान तो हमें वैसे ही नहीं मैं कहता तो हूँ नात आने दे जाने का नाम नहीं नाथ तो कलाम का नाम है किसी बुजुर्ग की बात पढ़ो कुछ मतलब उसमें कुछ ओक़ हो कुछ दर्द हो ये क्या बात हुई जो आज कल काम शुरू है लेकिन आपको पता है हम नाथ खां की भी इज्जत करते हैं मैं जिस नाथ खां से नाथ सुनता हूँ मैं दिल की कल्ब की गहराई से उसका हया करता हूँ मैं इकराम करता हूँ अल्लाह जानता हूं। मैं एहसास देता हूँ इसलिए कि मैं समझता हूँ ये जब बोलता है ना तो मुझे मदीने वाले की याद आती ये नबी करीम की याद दिलाता है तो इसका एहसास है अला हज़रत फाजल बरेलवी रमत ते नबी करीम से मुहबत की और हजूर सैद आलम सल वम से ताल्लुक़ रखने वाली हर शे से मुहब्बत की उन्होंने अपने क़ को कभी फीका नहीं पड़ने दिया सारी ज़िंदगी रसूल सल अल्ला व्ल् का प्यार थोड़े दो चार लफ्ज़ मेरी तरह किसी शख्स को आ जाए तो वह अदब अदाब के दायरों से निकल जाता है वो हर चीज़ को किलो काल के ऐके में रखता है इसलिए मुल्ला रूमी फरमाया करते थे सेठ आदमी हो ना जेब में पैसे हो तो उसका पीर कोई नहीं होता अगर कोई उहदा मिल जाए बंदा किसी दर्जे पे पहुंच जाए तो उस बंदे का भी मुर्शद है। और अगर चार लफ्ज पड़ जाए तो अक्सर मेरी तरह के बंदे खलीफे होते हैं मुरीद नहीं होते नाराज तो नहीं हो गया आप लोग मेरी तरह के लोग ना खलीफे होते हैं बताते हैं चौदह जगह का खलीफा हूं तो सवाल यह है कि ग़ुलाम किसका है मेरी ख़िलाफ़ थे ओ खुदा के बंदे गुलामी असल चीज़ है आला हज़रत फाजल बरेलवी रहमत ला से पूछते जब कोई मदीने से आता मक्के से आता हाज़ करके आता तो पूछते मदीने गए थे सदरश रम्ला फरमाते किसी ने कान में आके का हजूर वोची हज कर के आया पक्की बात है हजूर हाँ फरमाया चलो चले हज़रत जी को लिखना नहीं तो मैं आके देखते हैं हजरत मेहमान ओ आके देखते हैं कहते दौड़ने लगे वो जूते गांट रहा था जाके पूछा हज कर आए हो कहाँ मदीना शरीफ गए थे वो जिस बंदे के पास लोग तारीखें लेने जाए तो टाइम ना मिले भाई आज मदीने गए थे कहने लगा जी बड़ा कर्म किया सरकार ने मैं तो डेढ़ महीना रह के आया हूं कहते हैं जुब्बा कहीं पगड़ी कहीं कलम कहीं शागिर्द कहीं मुरीद कहीं और अंदर नहीं हुजरे के अंदर छुप के किसी की तादीम नहीं चौक में मोची जूते गांठने वाला दुनिया देख रही है आला हजरत झुके और मोची के पैर चूमने शुरू कर दिए लोग पकड़ दे ये क्या वो भी पैर करने लगे पीछे हट जाओ ये वो कदम है जो मेरे मुस्तफा करीम के दरे दौलत से होके आए हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है वो जाने वाले ये जायका ये दर्द तो आला हजरत ने ना जौक वाली जिंदगी गुजारी अदब वाली जिंदगी गुजारी प्रेम वाला वक्त गुजारा इश्क वाला वक्त गुजारा तुम तो आप अपनी जिंदगी को ना जौक के दायरे में लाए जिस चीज़ की बहुत कमी है वो अदब अदाबाद है वो जौक हैं हजरत बिलाल की तालीम कितनी थी हजरत बिलाल अब शी कभी सिपाशलार बने थे किसी जंग में किसी सूबे के गवर्नर बने हो बोलो तो सही यार उनका तारफ क्या था नबी करीम के ग़ुलाम हज़ूर के ना जो ज़ाती मामल थे ना बीस अंसारी नौजवान थे जो हर वक़्त नबी पाक के पास खड़े रहते थे कि हज़ूर को हुक्म करें बीस और चौंतीस से लेकर चालीस तक गुलाम हर वक्त हजूर की बारगाह में रहते हजरत बिलाल हजूर के जती मामला की खिदमत करते थे कोई ऐसी वो जो तबलीग की या दावत की या जंग की या जिहाद की कोई ड्यूटी नहीं वो करते थे जाती खिदमत सरकार की हजरत उम्र फारूक वो शख्स हैं कि जिन्होंने कभी किसी बंदे को खातर में नहीं लाए वो लेकिन जब हजरत बिलाल आते थे ना तो जनाबे उम्र उठ के खड़े होते थे कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे कहते थे या बिलालो बिलाल अनता सैया दुना बिलाल तू हमारा सरदार है यार तू हमारा यानी इश्क का जौक पूरा करना उन्हें भी आता था इसलिए मेरा मशवरा है मेरी राय है और जो मेरा हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए मेरा हुक्म है कि जौक ना कभी भी खराब करना कभी भी ना जौक ना खराब करना अपना लुत्फ मुझे बड़ी मैंने कई दफ़ा मैं पहली दफ़ा मदीना शरीफ हाजिर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे तो उनको ना धक्के मार रहा था वो सामने खड़े होते हैं ना अल्लाह खैर फरमाए अपनी अपनी ड्यूटिया ना उनकी भी एक ड्यूटी है है ना जी तो वो धक्के मार रहा था तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर हो गए आ रोजे दी जाली दे उन्हें फिर धक्का मारे तो फिर उन्हें कह तेरी खैर हो गए आ मैंने वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी मैंने उनसे बड़ा सीखा मर पर जिक्र कर रहा हूँ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪੈਰੇ ਦਾਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਂਨੇ ਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਯੇ ਤੋ ਅਰਬੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਉਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਪੈਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ कि सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो और एक जगह पे आल हजरत कहते हैं जान दे दी वादा दीदार पर हमने जान दे दी हाँ खाली उसने वादा किया था कि आऊंगा आया नहीं था पर जान हमने पहले दे दी तो इसलिए ना शौक शौक़ प्यार वारफ्तगी मोहब्बत उसदा के लिए बुज़ुर्गों के लिए के लिए मशाइ के लिए बड़ों के लिए ना शौक ना कभी ख़राब होने पाए अल्लाह आपको सलामत रखे और कुछ दुआएं मैंने दे दी हैं कुछ अल्लाह जानता है मेरे दिल में हैं वो मैं देता रहता हूँ अल्लाह आपको हमेशा शादुआबाद फरमा